इन दिनों शादियों का मौसम चल रहा है और इस शादी के मौसम में एक दिल छू लेने वाली खबर भी सामने आ रही है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़, जहां पर दुल्हन चल नहीं पा रही थी तो दूल्हा बारात लेकर अस्पताल ही पहुंच गया और अस्पताल में रचाई है ये शादी। आइए डालते हैं इस वायरल खबर पर नज़र। वीडियो में जिस शादी की तस्वीरें आप देख रही हैं, वो किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि असल जिंदगी की कहानी है। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक अनोखी शादी की तस्वीर आई है, जहां एक दूल्हे ने स्ट्रेचर पर लेटी दुल्हन से उसी हाल में शादी रचा ली। ऐसे सीन तो कई बार बॉलीवुड फिल्म्स में जरूर देखे गए हैं। विवाह फिल्म में पूरी तरह आग में झुलसी पूनम से प्रेम उसी हाल में शादी कर लेते हैं। ऐसे में अब ये अनोखी शादी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें अस्पताल में पंडित शादी के मंत्र पढ़ता है और दुल्हन से माला डालने कहता है तो दूल्हा आगे आकर झुकता है और दुल्हन सही से माला भी नहीं डाल पाती और वो मुस्कुरा कर माला पहन लेता है। इसी बीच अस्पताल का पूरा स्टाफ बाराती बनकर वहाँ मौजूद हो जाता है। इस अनोखी शादी को देखने क्या डॉक्टर, क्या नर्स, क्या मरीज और क्या उनके परिवार, सभी आकर वहाँ खड़े हो जाते हैं। दरअसल शादी के ठीक 3 दिन पहले सड़क दुर्घटना में दुल्हन का हाथ और पैर फ्रैक्चर हो गया था। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, शादी टाली नहीं जा सकती थी। दुल्हन के पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, यही वजह थी कि अस्पताल में पलंग को ही मंडप बना दिया गया और ये शादी हो गई। लड़की का नाम शिवानी है, जिसकी शादी 16 फरवरी को खंडवा में दूध तलाई में होनी थी। वो शादी से पहले अपने मामा के घर आई हुई थी, जहां शादी से 3 दिन पहले उसका बड़ा एक्सीडेंट हो गया। लड़की के दाहिने हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 16 तारीख को तो शादी नहीं हुई, लेकिन उज्जैन का रहने वाला दूल्हा राजेंद्र बारात लेकर शिवरात्रि के दिन अस्पताल पहुंच गया, जहां उसने दुल्हन से विधिवत शादी कर ली। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दूल्हे के परिजनों का कहना है कि आज के समय में बेटी और बहू एक समान है, यदि हमारी बेटी के साथ ऐसी घटना होती तो क्या होता, इसलिए हमने बहू को बेटी समझकर शादी की और समाज को ये संदेश दिया। आपको बता दें कि दोनों ही परिवारों की तरफ से शादी के पहले की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, इसलिए विवाह करना भी जरूरी था। दोनों ही परिवार वालों ने अस्पताल के संचालक डॉक्टर से बात की और अपनी समस्या बताई। डॉक्टर भी तैयार हो गए और दुल्हन की बेहतर कंडीशन को देखते हुए 18 फरवरी शिवरात्रि के दिन विवाह का मुहूर्त निकाला, जहां अनोखा ब्याह रचाया गया। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स